दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर बागपत का सोनौली गांव, जहां जमीन के नीचे दफन 126 कब्रगाहें मिली हैं। ये कब्रें करीब 5000 साल पुरानी हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय पुरातत्व विभाग को खेतों से घिरे इस जमीन पर एक शाही कब्रिस्तान मिला है। ये 5000 साल पुराने किसी राजा या योद्धा की कब्रगाह है, जिसके बगल में इस तरह का एक रथ भी मिला है जिसमें तांबे का उपयोग किया गया है। पहली बार खुदाई में शव के साथ इस तरह के सामान रखे मिले हैं। कब्र की खुदाई के दौरान शव के पास दो रथ और इस तरह तांबे के कई तलवारें और टोपियां मिली हैं। अब तक हड़प्पा कालीन खुदाई में इस तरह के सुसज्जित सामान नहीं मिले थे, इसीलिए पुरातत्व विभाग इसे बड़ी खोज बता रहा है। कब्रों में रखे शव पूरब और पश्चिम दिशा की ओर हैं। इस कब्रगाह में राजा के साथ उनके परिवार को भी जलाया या दफनाया गया है। कब्र में रखे इस तरह के बर्तन, 5000 साल पुराने सोने के ऐसे आभूषण और नक्काशीदार कंघी मिलना इसकी आधुनिकता को दर्शाती है। बागपत में इस तरह की दो दर्जन ऐतिहासिक जगह है जहाँ हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि यमुना, हिंडन और सरस्वती नदी के किनारे कई सभ्यताओं ने जन्म लिया। बागपत के सुनौली गांव की पुरातात्विक खुदाई में मिले तांबे के रथ, सोने के आभूषण इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकक्ष खड़ा कर देते हैं।